आम बजट आ गया है, बजट के बाद बजट पर अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, तो उधर देश की आधी आबादी की भी बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। हालांकि बजट से पहले महिलाओं की उम्मीदें काफी थी, लेकिन उतना बजट में इस बार नहीं मिला। महिलाओं को उम्मीद थी कि इस बार नारी शक्ति केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिलाओं के लिए पिटारा खोलेगी। हालांकि सीतारमण के पिटारे में से कुछ योजनाएं महिलाओं के लिए निकली, जिसमें नारी शक्ति के महत्व की बात करते हुए महिलाओं और बच्चों के लिए एकीकृत विकास प्रदान करने के लिए 3 योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया, जिसमें मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा महिलाओं को सीधे तौर पर कोई सौगात नहीं मिली। खासतौर पर महिलाओं को इनकम टैक्स स्लैब, होम लोन और महंगाई में राहत की उम्मीद थी, लेकिन अपरोक्ष रूप से बात करें तो बजट में लाखों नई नौकरियां सृजित करने की घोषणा की गई, जिससे महिलाओं को भी फायदा होगा। पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले मकान से गांव शहरों की महिलाओं का घर का सपना साकार हो सकेगा। डाकघरों में एटीएम की व्यवस्था होने से गांवों की महिलाओं को भी सुविधा मिल सकेगी। कट पॉलिशी डायमंड और रत्नों पर कस्टम ड्यूटी घटाने से महिलाओं को इसका फायदा जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, महिलाओं के लिए हमारी विशेष पेशकश नारी। अब की बार हम बात करेंगे यूनियन बजट पर। महिलाओं को मिला क्या? देश की आधी आबादी, हर किसी की सिंपैथी, लेकिन जब देने का वक्त आता है तो मिलता क्या है? यूं तो 30% आरक्षण, 33% आरक्षण लंबे समय से चला आ रहा है, जदोजहद में फंसा हुआ है। हर पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं कि हमारी 6 देने की, लेकिन दे कोई नहीं रहा। अगर पार्लियामेंट में अगर आप पास करके संविधान में संशोधन करके नहीं भी दे सकते हैं तो टिकट तो कम से कम इतने दें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। खैर, मैं जब भी वक्त आएगा इसको जरूर लूंगा, लेकिन बात यहाँ पे बजट की। मैं ये जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ कि महिलाओं के प्रति हमदर्दी अबला समझ के नहीं, उनका हक है, वो मिलना भी चाहिए। यही मुहिम है हमारी कि नारी लेकर के आए हम, और कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेते हैं ताकि महिलाओं से जुड़ा हो। आज हम चर्चा करेंगे यूनियन बजट पे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ कांग्रेस से लखनऊ से सृष्टि काश्यप सिंह जुड़ी हुई हैं, ज्योति मिश्रा जी हमारे साथ भाजपा से जयपुर से जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत है। मैं अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा, यूनियन बजट सबके सामने है और क्या लगता है आपको कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, महिलाओं के लिए एक आत्मनिर्भर बनाने वाला हो, उन्हें स्वावलंबी बनाने वाला हो, या फिर कहें कि उन्हें कुछ ऐसे कह सकें कि हाँ बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें एहसास हो सके,
जो मिल सके, ऐसा कुछ कह सकते हैं कि हाँ महिलाओं के लिए ये सेगमेंट तो बहुत ही अच्छा है? महिलाओं के लिए स्कीम्स आती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, बैंक्स में भी स्कीम्स अवेलेबल हैं। ये नहीं कह सकते हैं हम कि बिल्कुल भी कुछ हैंड होल्डिंग नहीं की गई है महिलाओं के लिए, लेकिन जो मुझे एज अ क्रिटिक अगर मैं रिव्यू करूं तो जो मुझे समझ में आता है कि अवेयरनेस जो स्कीम्स हैं उनको आपको पब्लिक में जाकर अगर उनको अवेयर करना है महिलाओं को, तो वो बीच में जो चैनल और ब्रिज है ना उसका लैक्यूना है, वो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कि अगर बैंक में अगर आपके महिलाओं को अगर एंटरप्रेन्योरशिप अपने खुद का बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ चाहिए तो बैंक्स में स्कीम्स अवेलेबल है, लेकिन महिलाओं को वहां पर जाकर पता करना, उसको रोड पे इम्प्लीमेंट करना, वो चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो चूंकि अगर हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर खुद एक महिला है, वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर पिछले इतने सालों से बजट सुना रही है, वो अपने आप में वुमन एम्पावरमेंट बता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो प्रियंका गांधी जी ने अभी बोला कि 50% फीमेल्स को हम टिकट्स देंगे यूपी में, तो 40% हाँ जी, तो ये वाली जो चीज है ये सामने आ रही है, इसको लग रहा है धीरे धीरे हैंड होल्डिंग कर रहे हैं महिलाओं को पॉलिटिकल बेस में उतारने की, जो कि अगर हम देखें वाकई आज जो पुरुष और महिलाओं का परसेंटेज है लोकसभा में, असेंबली में, कहीं पर भी देखें हम, सो इट्स इररेगुलर। तो बीच में मुझे लगता है कुछ चैनलाइज प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट प्रमोट करना, ये सारी चीजों की अभी आवश्यकता है। वो हम 100 out of 100 नहीं, अभी भी हम 100 out of 50 मार्क्स ही दे सकते हैं जी, तभी तो देख करके अभी सृष्टि ने लगाया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। चलिए आपके पास में आऊंगा सृष्टि, अब तो बजट सबके सामने है, क्योंकि तुरंत अगर हम चर्चा करते हैं तो कुछ चीजें होती हैं कि उसके पूरे फीचर्स नहीं देख पाए हम। चार जो सेगमेंट में से देख रहा हूँ कि जिनके लिए हम कह सकते हैं कि महिलाओं का सीधा उससे जुड़ाव है, हम बात कर सकते हैं मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। चार ऐसी योजनाएं जो सीधे दिखाई देती हैं, लेकिन इन योजनाओं के जरिए अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात आज की आवश्यकता है कि महंगाई से भी कोई लड़ लेगा। मैं बात कर रहा था कुछ महिलाओं से, कुछ गर्ल्स से, तो उनका साफ कहना है कि देखिए साहब, महंगाई तो मानसिक रूप से हर व्यक्ति तैयार होकर के चलता है कि महंगाई से लड़ना है, अभी जो है वो है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमें आप नौकरी दीजिए। अगर रोजगार मिलते हैं तो आदमी किसी भी परिस्थिति से लड़ सकता है, लेकिन जेब में पैसे नहीं होंगे तो हम लड़ेंगे किससे? तो उस दिशा में कितना सार्थक होगा बजट? योगेंद्र जी, ये बजट जब आप देखेंगे इसमें ये टोकनिज्म किया गया है। आज तक का ये सबसे ज्यादा क्रोनी कैपिटलिस्ट बजट आया है आज तक हमारी हिस्ट्री में। जस्ट बिकॉज निर्मला सीतारमण इसे प्रेजेंट कर रही हैं, दैट डजंट मीन एनीथिंग जब वहां वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं होती। निर्मला सीतारमण ने अपनी आप उसकी बजट का पूरा स्पीच सुनिएगा, पूरे बजट में शी यूज द टर्म्स लाइक डिजिटल, एग्रीकल्चर एंड पेपरलेस, आईटी सेक्टर, इकोनॉमी, ये सारे जो शब्द है ये सारा इस्तेमाल किया गया पूरे बजट में। महिलाओं का और पुअर, ये दो वर्ड सिर्फ दो बार इस्तेमाल हुए हैं इनके पूरे बजट स्पीच में। उससे ही पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की महिलाओं का कितना उन्हें ख्याल है, कितनी उन्हें चिंता है, या फिर हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी कितनी चिंता है। क्योंकि महिलाएं हमारे सिर्फ वो नहीं है जिन्हें जॉब्स चाहिए, महिला वो भी हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ढकेली जा रही हैं। अगर हम डेटा देखेंगे तो 4,60,00,000 लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन भेजा गया है अभी पिछले एक साल में, ये फैक्ट है। उसमें भी महिलाएं हैं, वो परिवार चला रही हैं, उस गरीबी रेखा के नीचे रह के भी वो अपना गुजर बसर कर रही हैं जैसे तैसे। उनके लिए कोई स्कीम है? नहीं है। हम होम लोन्स की बात करेंगे उसमें भी कोई राहत नहीं मिली, हम इनकम टैक्स की बात करें उसमें भी कोई राहत नहीं मिली, बट दीज आर समथिंग जो एक पर्टिकुलर उसको कैटेगरी को सूट करता है। लेकिन उन महिलाओं का क्या जिनकी आप बात करेगा शक्ति का, मिशन शक्ति 2.0 या जो भी, तो महिला शक्ति और ये तो फेलियर रही है इनके पास की जितनी स्कीम्स है, क्योंकि जब भी आप उठा के देखेंगे इट नेवर वर्क्ड आउट ऑन द ग्राउंड। क्योंकि आज भी मिशन शक्ति अगर काम कर रही होती तो शायद उत्तर प्रदेश में हर 16 मिनट पर रेप नहीं होता। महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, आशा बहन आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात करते हैं, वो अपना हक मांगने अगर सीएम आवास जाती है तो योगी जी की पुलिस तो उनका हाथ तोड़ देती है। तो कहना कुछ कथनी और करनी में ये जो फर्क है ये यही दर्शाता है। और बजट अगर हम सिर्फ महिलाओं की भी बात करें या पूरे बजट इन टोटलिटी की भी देखें तो वो एक फिल्योर बजट है जिससे आम जनता का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इस बजट में ये नहीं बताया गया कि जो 60,00,000 उद्योग बंद हुए छोटे उद्योग
उनके लिए क्या बात की गई, जो हमारे युवा हैं उनकी नौकरियों की क्या बात की गई, क्योंकि आपने टोकनिज्म में बोल दिया हम 10 मिलियन जॉब्स की बात करेंगे, आपने 2014 के बजट में बोला था 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे, उसका रिजल्ट क्या आया, 10 मिलियन जॉब लॉसेस हुए हैं 2021 तक में। कहां कैसे या फिर ये जनरेट होंगे उससे लोगों को लाभ मिलेगा, ये अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें महिलाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरा, 80 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात की है, क्योंकि ब्लो पॉवर्टी लाइन की जो बात कर रही थी आप, उससे कुछ राहत मिलेगी लोगों को? योगेंद्र जी, अगर हम प्रधानमंत्री आवास की भी बात करें, हमारे पास रिपोर्ट्स है, डेटा है, जहाँ पे DHFL जैसे स्कैम्स होते हैं पीएम आवास योजना में। अगर हम महिलाओं की बात करें, रोजगार जो 60 लाख बात की गई है, आज मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, उत्तर प्रदेश में 20 लाख पद खाली पड़े हैं, उस पे वहां पे क्यों नहीं भरा जा रहा उन रिक्त पदों को? तो हम 60 लाख कहां से क्रिएट करेंगे? इसका कोई रोड मैप दिया सरकार ने? बस जुमला फेंक दिया कि 15 लाख आएंगे वैसे 60 लाख नौकरियां देंगे आपको। तो ये बात जो करनी है हमें महिला सशक्तिकरण की, वी हैव टू हैव अ प्रॉपर रोड मैप। जो अगर आप हमारी महिला शक्ति का अगर आप पढ़ेंगे हमारा मैनिफेस्टो या युवा विधान पढ़ेंगे जब, तो हमने कितने अच्छे से कैटेगराइज किया है हर एक चीज की, कहाँ कहाँ वो पद खाली है, महिलाओं को हम कितना आरक्षण देंगे वहां पे, कितना हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे। सशक्तिकरण ये होता है कि हम आपको बताएं कि कहाँ जॉब्स है और हम आपको कैसे वहां तक ले जाएंगे। चलिए मैं वापस लौट रहा हूँ, सृष्टि वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं ज्योति जी जुड़ गई हमारे साथ में। ज्योति जी, अभी आपने सृष्टि सिंह को सुना होगा, वो साफ कह रही हैं कि बजट में वो विजन कहाँ पे है कि जो महिला सशक्तिकरण की बात की जा सकती है उसमें। देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सशक्तिकरण मतलब सिर्फ रोजगार जो ध्यान में रख कर ये बोल रही हैं हमारी बहन, सिर्फ रोजगार नहीं रख सकते। अगर सशक्तिकरण की बात करें तो उसमें महिला के आत्मनिर्भरता की बात होती है, महिला के स्वास्थ्य की बात होती है, महिला कितना अपने आत्मबल मनोबल उनका कितना स्तर बढ़ सकता है उसकी बात होती है। और जहां तक मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो बात की है जो हर घर नल योजना है, आज देखो महिलाओं को जो कितने किलोमीटर चल करके महिला को पानी लाना होता था, उनका उनके समय की बर्बादी, उनके मेहनत परिश्रम की बर्बादी और उनके स्वास्थ्य की हानि, ये होती थी चीजें। तो आज 8 करोड़ घर को नल पहुंचाने की योजना जो है प्रधानमंत्री जी ने, उनमें 5 करोड़ घरों में हमारी योजना पहुंच चुकी है और 3 करोड़ और हमारे घर योजनाएं जो है हर घर तक पहुंचानी है ये। और दूसरी, आज एक महिला ये चाहती है उसका अपना घर, क्योंकि वास्तविकता में हम देखें तो जब वो लड़की होती है, बच्ची होती है, तो वो अपने पिताजी के घर पे होती है, फिर वो पति के घर जाती, कहीं ना कहीं वास्तविक धरातल पर हम देखें तो महिलाओं के नाम से उनका एक आवास होना वो सबसे ज्यादा सशक्तिकरण की ओर महिलाओं को शो करती है। तो महिला के नाम से जो पीएम आवास योजना की शुरुआत हुई, मैं प्रधानमंत्री जी के एक महिला होने के नाते तहे दिल से उनका एक धन्यवाद दूंगी कि ये महिला को। ज्योति जी, एक बात आती है, ज्योति जी एक बात निकल करके आई है, कुछ लोगों ने बताया भी है कुछ रिएक्शंस में भी, जब मैं जिस दिन बजट पे चर्चा कर रहा था 1 फरवरी को, उस दिन ATC में जो पीएम आवास से भी जो जुड़ सकते हैं कि भाई आप इतना डायरेक्शन उसमें करते हैं, उसके अलावा आप पे महिला को आगे बढ़ाने के लिए कि अगर महिला के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई लेगा तो ATC में हम ये दायरा बढ़ा करके इतना कर सकते हैं। टैक्स लैब में सही नहीं, तो टैक्स में भी इंतजार था कि महिला अगर कोई एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई वो जॉब कर रही है तो उसको हम इतना उस लैब में, जैसे 75 ईयर्स ओल्ड जो है उनको रिटर्न फाइल नहीं करनी, दिव्यांगों के लिए कुछ किया है, तो इस टाइप से कुछ किया जाना चाहिए था। देखिए, मैं ये कहूंगी कि इसके बदले हम जो बात करते हैं कि हम किसी से कम नहीं, अब इनका ही एक कांग्रेस पार्टी का एक जुमला है, लड़की है लड़ सकती है, तो उस पर ही मैं बात कहूंगी कि कम क्यों, आप क्यों चाहती हैं छूट? आप रोजगार लीजिए ना, आपको बराबर का रोजगार दिया जा रहा है। आज अगर बात करें कि 25,000 km का विस्तार सड़क परियोजना में किया जाए तो क्या उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं रहेगी? क्या उसमें महिला रोजगार नहीं मिलेगा? तो हम ये क्यों चाहते हैं कि सिर्फ टैक्स में हमें छूट मिले? हम ये चाहते हैं कि हमें बराबर से रोजगार मिले और वो हमें बराबर से मिल रहा है।
जी ये तो ज्योति जी, जब ये यूनियन बजट की बात आती है तो बिल्कुल सही बात है, आधी आबादी है, हम किसी से कम नहीं है, लड़की हैं लड़ सकती हैं, तो उसमें क्यों हम अपने आप को कम आंक करके चलती हैं अगर कांग्रेस सवाल उठाती है। लेकिन जिन राज्यों में भाजपा विपक्ष में है वहां पर तो ये सवाल होता है कि महिलाओं को ख्याल रखा जाना चाहिए, महिलाओं को एडिशनल कुछ बेनिफिट दिए जाने चाहिए, वहां क्यों? जी वो सुरक्षा की बात है, तो केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बजट दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार अगर उसको सही ढंग से लागू नहीं कर पा रही है तो इसमें कमी आप किसकी कहेंगे सर? ये तो क्यों लग रहा है राज्य सरकारें नहीं कर रही है? ऐसा क्यों लग रहा है राज्य सरकारें नहीं कर पा रही? एक बीइंग ए महिला मैं चाहूंगी कि सुरक्षा के मामले में चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो वो बहुत ही ज्यादा सशक्त होने चाहिए और उनको इस मुद्दे पर विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के मामले को बिल्कुल ही गंभीरता से लेना चाहिए। चलिए सृष्टि जी आपके पास आना चाहूंगा, लड़की हूं लड़ सकती उसका भी जिक्र किया है इन्होंने। जब यह बात होती है एक आत्मसम्मान के साथ में जुड़ी, आत्मनिर्भर के साथ में जुड़ी हुई आधी आबादी है तो आवश्यकता क्यों है कि महिलाओं को कुछ एडिशनल मिलना चाहिए? ये ज्योति जी का सवाल है। मैंने अपनी बात रोजगार पर खत्म की, ज्योति जी ने अपनी बात की शुरुआत की कि सिर्फ रोजगार ही क्यों, अंततः वो अपनी बात को उन्होंने पूर्ण विराम दिया, वापस रोजगार पे आके महिलाओं को रोजगार भी मिलना चाहिए। तो डिसाइड कर ले करना क्या है महिलाओं के लिए, उन्हें हमने तो बात की है यहाँ महिलाओं के ऑल ओवर डेवलपमेंट की, यहाँ महिलाओं के रोजगार की जो बात है, उन्हें स्वावलंबी बनाने की जो बात है, क्योंकि आज इस देश की जो महिला है, उत्तर प्रदेश की जो महिला है वो बहुत वो है सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो अपने में काफी है, उसे बस एक मौका दिया जाना चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। 40% टिकट देने का हमारा मकसद क्या था? महिलाओं को उनकी आवाज को आगे बढ़ाना, क्योंकि अगर महिला की जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान सिर्फ एक महिला निकाल सकती है। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 135% जो क्रिमिनल MLAs बीजेपी के बैठे हैं वहां पे, वो नहीं निकाल सकते महिलाओं की प्रॉब्लम का सलूशन। तो महिलाओं की आवाज को सुनिश्चित करना, उनकी आवाज को सृष्टि जी हम चलिए, ये आपने जवाब दिया इनका, अपन यूनियन बजट पे लौट, नहीं तो ये फिर क्या है कि बहस हमारी उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। यूनियन बजट पे महिलाओं के लिए आपने 3-4 जुमले छोड़ दिए, टोकनिज्म किया है सिर्फ और सिर्फ, जिसमें कि मैं आपत्ति दर्ज कराती हूँ अपनी कि आप महिलाओं को एक टोकनिज्म नहीं कर सकते, आप उन्हें सिर्फ जुमला प्लीज आप इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोट करिए, आप में लोग सोचेंगे कि मेरे को कह रही हैं। नहीं नहीं मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही कह रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये बोगस बजट प्रेजेंट किया है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टोकनिज्म किया है, क्योंकि दे डिड नॉट पुट एनी थॉट इन द बजट एट ऑल। क्योंकि उसी बजट के बाद अगर आप देखें 4:30 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस देश के सबसे जाने माने इकोनॉमिस्ट पी चिदंबरम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उस बजट की धज्जियां उखेड़ के रख दी कि कहां कहां फॉल्ट है, आम जनता से कितना ये कटा हुआ बजट है। महिलाओं की हम बात करते हैं, महिलाओं में सबसे ज्यादा जो हमें यहाँ पे फायदा मिलता था जिन चीजों से, आम इंसान से जो आप हमसे टैक्स लेते हैं उसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है सरकार से? सब्सिडी मिलती है। उस सब्सिडी में टोटल 27% का कट ऑफ हुआ है पूरे बजट में, निर्मला सीतारमन जी के 2022-23 के बजट में कहाँ कहाँ कट ऑफ हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 704 करोड़ का कट ऑफ हुआ है, उसमें किसानों की खाद सब्सिडी में 35,000 करोड़ का कट ऑफ हुआ है, उसके बाद गरीबों को मिलने वाले भोजन के राशन में अप्रोक्सीमेटली 80,000 करोड़ रुपए का कट ऑफ हुआ है, उसके बाद किसानों के क्रॉप इंश्योरेंस में 700 करोड़ का कट ऑफ हुआ है, उसके बाद मजदूरों को मनरेगा स्कीम में मिलने वाले 25,000 करोड़ का कट ऑफ हुआ है। तो ये 27% जो हम आम इंसान को, जो महिला पुरुष सब है जिन्हें ये बेनिफिट मिलता था, उसका तो सरकार ने कट ऑफ कर दिया। और लेकिन वहां पे बेनिफिट किसको मिला? कॉर्पोरेट टैक्सेस को। तो आप ये क्या दर्शा रहे हैं? जब आम इंसान दिन प्रतिदिन प्रताड़ित हो रहा है, जब महिलाओं के लिए जो बजट में अगर आप बात करें महंगाई पे चर्चा नहीं होती, उसके गृहस्थी को ठीक करने की चर्चा नहीं होती, आप टैक्स एज इट इज कलेक्ट करते हैं एक आम इंसान से, GST कलेक्ट करते हैं एक महिला से, लेकिन आप कॉर्पोरेट टैक्स को कट ऑफ कर देते हैं और फिर आप बात करेंगे महिलाओं की। जी चलिए मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, अर्चना जी जुड़ गए हमारे साथ में। अर्चना जी कुछ योजनाएं हैं जिनको लेकर के, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, पोर्शन 2 को कंटिन्यू किया है इन्होंने, जिसमें यह है कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जिनके लिए आंगनबाड़ी के जरिए आंगनबाड़ी स्मार्ट आंगनबाड़ी यानी कि सक्षम आंगनबाड़ी, उनको 2,00,000 आंगनबाड़ी ऐसी चुन रही हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मुझे जो महसूस होती है, कई बार मैं देखता हूं कोई मॉनिटरिंग करने जाता है, और मॉनिटरिंग कोई करने जाता है तो कई बार ये होता है कि आज उन आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा करेंगे अधिकारी, उसे कुछ लगता है आपको कि स्थिति का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उसका पता कर सके? इस पे कोई
गवर्नमेंट हो, क्यों चाहे स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट हो, कोई अभी तक हमारा ऐसा कोई डेवलप नहीं हो पाया सिस्टम जिसकी वजह से हम कह सकें कि हाँ वास्तव में। चलिए राजीव गांधी ने अलवर के खेड़ली में एक बात स्वीकार की कि 1 रुपए भेजते हैं जिसमें से 15 पैसे ही आमजन तक पहुंच रहे हैं। अभी सरकार का दावा है कि हमने ऑनलाइन जनधन खाते खोलने का मकसद यही था कि पैसा पूरा जा रहा है, 1 रुपया भी दाएं बाएं नहीं हो पा रहा। लेकिन उसका भी आपको असर मालूम होगा कि जब किसान बीमा योजना का राजस्थान की वसुंधरा जी की सरकार के वक्त गवर्नमेंट का पैसा आ रहा था, कितने लोगों ने क्या स्कैम निकला, ऑनलाइन ही पैसे डकार गए। तो मॉनिटरिंग की जो बात होती है, योजनाओं तो निश्चित रूप से कोई भी गवर्नमेंट अच्छी लेके आती होगी, जनता के लिए लेके आती है, उनकी जवाबदेही है, लेकिन को मॉनिटरिंग करता है, इसका अभाव लगता है आपको? जो अभी इससे पहले मैंने जो स्टेटमेंट दिया था, ये जो क्वेश्चन है, आई थिंक दे आर बोथ रिलेटेड कि ग्राउंड लेवल पे जो समस्याएं है ना, जो महिलाओं की समस्या है, उसको देखने वाला कोई भी नहीं है। आपने दिल्ली में बैठकर या कहीं पर भी किसी भी स्टेट कैपिटल में बैठकर आपने 1, 2, 3, 4 स्कीम्स अनाउंस कर दी है, लेकिन वो स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे कैसे हो रहा है, वहां पर ग्राउंड लेवल पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये देखने वाला नहीं है कोई। वो महिलाओं को ही भटकना पड़ता है। इससे पहले वाला भी एपिसोड हमने जो बात की थी, अगर महिला की शादी हो गई, वो माइग्रेशन के लिए भटक रही है, यानी जो जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स है, वो आपको आज तक डोर स्टेप पे जो है ना अवेयरनेस नहीं है, रीच नहीं है, कैसे जाना है। महिलाएं आज जिनको अगर व्यवसाय शुरू भी करना है, उनका जो स्ट्रगल है, उनकी स्ट्रगलिंग स्टोरीज सुन के हम भी कभी कभी हैरान हो जाते हैं, कभी लिखते हैं किसी के बारे में, तो यानी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है लेकिन उनको पता ही नहीं है, वो तो ग्राउंड लेवल पे सिर्फ स्ट्रगल ही कर रही है। अगर कुछ लोन की स्कीम हो, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का स्कीम हो, आंगनवाड़ी का स्कीम हो, जो भी हो, स्किल लेवल से हो, लेकिन उन तक वो चीजें नहीं पहुंच रही है। तो कोई ना कोई, आई थिंक ये बीच में एक जो मैंने बात की ना, जो ब्रिज का कोई काम करे, इधर से इस कोने से स्कीम्स अनाउंस हो रही है, दूसरे कोने तक उसको पहुंचाना है, लेकिन बीच का जो ब्रिज है ना, वो मिसिंग है। तो वो जो ग्राउंड रियलिटी है आज भी वो डिफरेंट है महिलाओं तक। यानी एक पहले था कुछ जो मोदी जी की जो कुछ स्कीम्स थी जो फर्स्ट टेन्योर में, जिसका उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काफी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया था, तो वो चीजें पहुंची थी, उज्ज्वला योजना हुई, एक्स वाई जेड और दूसरी जो थी। बट आज का जो सिचुएशन है ना, आज का सिचुएशन इट्स जस्ट वाइस वर्सा। नहीं लग रहा है कि आज तो सिंपल सी चीज है, जो टैक्सेस की बात करिए, टैक्स अगर जो एक हाउस वाइफ होती है जो घर चलाती है, वो देखे तो टैक्स में कोई मिडिल क्लास के लिए। एक चर्चा ये भी देखिए, हमारे यहाँ पे पहले जब बजट आता था तो एक इमोशन से जुड़ा होता, मैं इस वजह से कह रहा हूं ये बात, लोग देखते थे क्या सस्ता, 90% पब्लिक को बजट में ये देखते थे क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। बिल्कुल, मेरी किचन पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग भी जब स्टोरी करते थे तो सबसे पहले गृहिणी को टटोलते थे कि जी बजट से क्या उम्मीद है और कि इस बाद में क्या लगा आपको। हाँ। तो ये फीचर गायब हो रहा है अभी महंगाई को लेकर के। और बोलने जा रही थी कि आज महिलाओं को तो यानी उनको पता है कि यानी सबसे पहले टैक्स का तो आपने बिल्कुल एक पर्टिकुलर स्लॉट बना दिया है, उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, तो सैलरी में जो है वो उतना ही चलेगा आपका, उसके ऊपर टैक्सेस की मार तो है ही जो है, और उसके बाद में एक जीएसटी का दर है, तो वो महंगाई और वो सस्ता वाला चीज है, तो एक तरह से वो वेव ऑफ ही हो गई है। तो वो जो बजट का जो इंटरेस्ट होता था ना, वही जो आप बोल रहे हैं कि हाँ किस तरह से महिला की किचन के ऊपर या उनकी पॉकेट के ऊपर डेंट करेगा, वो सारी चीजें वेव ऑफ हो गई है। तो इस बार जो बजट है बेसिकली वो कॉर्पोरेट्स देखते हैं कितना कितना टैक्स कहाँ बढ़ा है, क्या रहा है, कुछ एक दो क्या नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है। तो जो वो बजट है ना, वो मुझे लगता है आम आदमी के उसमें नहीं रहकर, परव्यू में रहकर बिजनेस क्लास के कैटेगरी को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल, एक आम जो एक ये कहूं कि पब्लिक है, उसके सेंटिमेंट्स जो जुड़े हुए थे, अब वो शायद लगता है कि सरकारों की दूर की बात हो गई, वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल, उसकी वजह है लोग देखते हैं कि वो उसका एक जुड़ाव होता है उसके साथ में, कर कुछ हद तक जीएसटी के बाद में इन सब चीजों का असर हो गया, लेकिन बजट का अपना एक महत्व है, हम क्या लोकेशन कहाँ पे क्या देते हैं। अब कहा जाएगा कि हेल्थ को लेकर के कि हेल्थ में ये दिया है, पोर्शन टू जो है उसको महिला बाल विकास के साथ में आप इसी से कोलोबरेट करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक जो चीजें आनी चाहिए, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ ज्योति जी, मैं इसकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी न्यूज़पेपर को आप उठा करके देख लीजिए कि हर पेपर में किस वर्ग को क्या मिला, एग्रीकल्चर, स्टार्टअप्स, आपके एमएसएमई, सबको कुछ ना कुछ होता है। महिलाओं का अगर वो देखेंगे तो जैसे ट्रेंड्स की जैसे बात की गई थी कि ट्रेंड्स में अब की बार स्पेशल सिक्योरिटी के लिए कुछ किया जाएगा, उसमें महिला गार्ड होंगी, जिसकी मैं बहुत चर्चाएं सुन रहा था,
अगर वैसे भी कुछ होती तो वो एक कोना जो आता है पेपर्स में बजट के दूसरे दिन की महिलाओं के लिए स्पेशली ये चीजें हैं, वो आपने देखा कहीं पे? जो योजना है उसी में है। आज मैं मानूंगा कि हेल्थ के लिए अगर पैसा है तो निश्चित रूप से महिलाओं को मिलेगा उसमें भी। जी वुमन, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि क्यों आप हमें किचन तक, हमारी सुरक्षा तक सीमित रखना चाहते हैं? क्या महिलाएं आज सिर्फ किचन तक हैं सीमित? वो बाहर भी हैं, उनका आत्मसम्मान है, सिर्फ सम्मान नहीं, वो पार्टी बोल रही है सम्मान की बात होनी चाहिए। जहाँ तक देखो, पहले गांव में, पहले गांव में और अच्छे अच्छे घरों में महिला, ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, एक सेकंड, ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति मिश्रा जी, ज्योति जी, ज्योति जी, मैं एक निवेदन करूं। अर्चना जी ने हमारी ओर से एक बात कही, आपने सुना होगा कि निर्मला सीतारमण जी चौथा बजट पेश कर रही हैं, तो महिला सशक्तिकरण की अपने आप में एक उदाहरण है। मैं उसे खारिज नहीं कर रहा कि महिला सशक्त नहीं हो, महिला चांद तक भी पहुंच करके आ गई है, महिला ट्रेन भी चला रही है, किसी फील्ड में कम नहीं है, है ना। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप हमारे को बराबर क्यों नहीं, ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं। मैं कमजोर नहीं मान रहा महिला को किसी भी कीमत पर, कहीं पे भी नहीं मान रहा, लेकिन जब वोट का टाइम आता है ना, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ बड़ी हमदर्दी होती है महिला के प्रति। और वो मैं उस नाते से कह रहा हूँ कि महिलाओं को आज भी आवश्यकता है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण का दायरा, उनका तरीका चेंज हुआ है। आज आप देख लो, ज्वेलरी में देख लो, उनको छूट मिली है। आज महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं की सुरक्षा, लेकिन डायमंड की ज्वेलरी, ज्योति जी, कितनी महिलाएं पहनेंगी डायमंड की ज्वेलरी जो है आप जिसका जिक्र कर रही हैं, चमकते हुए हार गले में पहनेंगी, कानों में पहनेंगी। सबसे बड़ी बात तो है कि 80 करोड़ लोगों को आज तो पहले पेट में दाने डालने की आवश्यकता है, उन्हें डायमंड की नहीं है। वो एक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि एक ऐसा क्लास है जिसको मिलना चाहिए। महामारी से पूरा पूरा जो हमारा वर्ल्ड गुजरा है, उसमें जो हमारी आर्थिक वृद्धि दर है, अच्छे अच्छे देशों ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, सृष्टि का कोई सवाल एक आपसे जी, सृष्टि समय कम है क्योंकि ज्योति जी का टाइम है। मुझे बड़ी हंसी आई जब आज वो पार्टी कह रही है महिलाओं को सिर्फ किचन तक क्यों सीमित करें। जो महिला सशक्तिकरण की जब बात की जाती थी, जब भी मुद्दा उठता था, तो वो उज्ज्वला और शौचालय तक उन्हें लिमिट कर देती थी कि हमने तो ये दो काम किया। हमने उनको, अरे सुन लीजिए ज्योति जी, आपने उज्ज्वला किया ना, 1 जून 2020 को महिलाओं को 80 रुपए मिलने वाला गैस सिलेंडर 1 जून 2020 को 80 रुपए का हो गया, मतलब सिर्फ एक साल में 220 रुपए का इजाफा। तो महिलाओं के किचन की बात क्यों ना हो? महिलाओं को सशक्तिकरण की जब किचन तक सीमित रखा था, ज्योति जी लोकसभा की स्पीकर बनाया, तो आप महिलाओं को सृष्टि जी, सृष्टि जी, मैं ज्योति जी से जवाब दे लो, समय कम है। सृष्टि जी, ज्योति जी, मैं अपनी बात कह लूं अपनी बहन से। ज्योति जी आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। पहले देश में महिलाएं जो हैं किचन में होती थी और उनका सारा दिन शुरू होता था और किचन में समाप्त हो जाता था। उनके पास लकड़ी के चूल्हे होते थे, उनकी आंखें खराब होती थी, उनका हेल्थ खराब होता था। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लाकर किचन से 2 घंटे में आ जाती दे दी। अब वो जाती है किचन गैस चलाती और खाना बनाकर। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा मैं, ज्योति जी, आप ये कह रहे हैं कि महिला की शुरुआत, सुबह की शुरुआत किचन से होती थी। मैं आज भी आपको 90% महिलाओं की कहूंगी, वो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज को संभालती हो, या फिर गरीब महिला हो, आज उनकी शुरुआत उसी से होती है। वो हमारे नेचर, हमारे सिस्टम में, और महिला इसे कोई बर्डन नहीं मानती है, ना महिला की कोई दयनीय स्थिति उससे साबित होती है कि महिला पिछड़ गई है कि किचन में काम कर रही है, ऐसा नहीं है ज्योति जी। और हम महिलाएं इसमें संतुष्ट भी होती हैं कि हमने अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया अपने परिवार को, लेकिन हम
अपनी इस जिम्मेदारी को अपने इस खुशी को इतनी कंफ्यूज है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें किस टॉपिक पे क्या बोलना है, क्या हमें महिलाओं के किचन में होने की तारीफ करनी है, खाना बनाने खिलाने की तारीफ करनी है, क्योंकि मैसेज गैस पे जब पूछा जाएगा तो उसका जवाब नहीं है। उज्ज्वला जैसे महत्वपूर्ण योजना पर कटाक्ष करने से पहले ये सोचना चाहिए। गैस सिलेंडर प्राइस जो महंगा हो गया, तस्वीरें भूल गई जो सिलेंडर फेंका हुआ है गांव में, और महिलाएं फिर भी चूल्हे पे खाना बना रही है, कौन भराएगा 800 रुपए का गैस सिलेंडर, सिर्फ एक वर्ष 220 रुपए का इजाफा कर रही है, सब्सिडी मिलती नहीं के हिसाब से 2019-20 करोड़ 32 लाख 67,000 महिलाएं दोबारा गैस भरवाने गई थी। चलिए सृष्टि जी समय कम है, मैं एक बार ज्योति जी आप अपनी बात को पूरी करिए, ज्योति जी आप कंटिन्यू करिए। ज्योति जी मैं एक बात जानना चाहूंगा, उज्ज्वला योजना निश्चित रूप से अच्छी योजना है कि आप लकड़ी, क्योंकि ईंधन की कमी भी जो थी और वो जंगल काटने का एक हमारा एक प्रयास था सरकार का, वो रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं एक सरिस्का का उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे कुछ दिन पहले स्टोरी की, जंगल के बीच लोग रहते हैं, सिलेंडर मिला पास में, सिलेंडर है, लेकिन उनका साफ कहना है कि साहब महंगा इतना सिलेंडर भरवाना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ चीजें देखिए, सरकार कोई भी हो निश्चित रूप से जनता के लिए अच्छी योजनाएं लेकर के आती हैं, लेकिन जैसे ही हम सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं, बाहर जब होते हैं तो तमाम चीजों के प्रति हमारी हमदर्दी होती है, हम देखते भी हैं क्योंकि पब्लिक की तकलीफ बहुत नजदीक से देखी जाती है, जैसे ही सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो तकलीफ थोड़ी दूर हो जाती है, वो दिखती नहीं है। अब मॉनिटरिंग करिए, हम यही कह रहे हैं कि योजनाएं सारी अच्छी होती है, महिला के लिए हो चाहे पुरुष के लिए हो, जैसे अर्चना जी ने कहा, सबसे बड़ी बात है कि हमें ऐसा कोई फीचर या सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए जिसकी वजह से हम ये कह सके। और अगर ब्यूरोक्रेसी या जो फीडबैक मिलता है अगर उसको हम कहें कि कोई कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो आइडियोलॉजिकली बात दूसरे किसी पार्टी का हो सकता है, ऐसा नहीं है, हमें देखना चाहिए और अगर कहीं कमी है तो उसे दूर करना चाहिए। मुझे लगता है कि बजट की सार्थकता तभी होगी जिस योजना को आप जनता के लिए दे रहे हैं, उसकी सार्थकता आई थिंक तभी होगी, और अगर हम उसे खारिज करते रहेंगे उसे पता नहीं लगेगा। ज्योति जी आप लोगों को भी इस बात के, मुझे लगता है कि कई बार महसूस होता होगा, महंगाई का जिक्र इस वजह से कर रहे हैं हम कि महंगाई को लेकर के, चले महंगाई भी, लेकिन आदमी के पास में जब पैसा आता है ना तो पैसे के साथ ही सब चीजें चल जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी भी क्यों महिला को बराबर नहीं देख बता पा रहे हैं, मैं बता पा रहा हूं, लेकिन महिला का दोहरा रोल होता है। अभी अर्चना जी हमारे साथ में बैठी हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की ब्यूरो चीफ है यहाँ पे, लेकिन किचन का ख्याल इन्हीं को ही है, सिलेंडर का ऐसा इनके पति को शायद हो सकता है अखबार से पता लगता हो, लेकिन देती ये पैसे इनको महसूस होता है, आपको महसूस होता होगा, वो चर्चा हम किचन की इस वजह से करती हैं। बेशक आज कम छपता हो अखबारों में, चैनल्स पे हम गृहिणी की चर्चा कम करते होंगे, लेकिन 90% परिवारों को अभी भी एहसास होता है कि चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, कितने पैसे का क्या चीज आ रही है, कितने का क्या आ रहा है, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को मालूम है। इस वजह से मैंने आपके सामने जिक्र किया, हम इसे खारिज नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल, मैं इस मुद्दे को खारिज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मैं और भी जो चीजें हैं किचन के अलावा और भी चीजों में, उनको बहुत सारी चीजों में हमें फायदा हुआ है। इस बजट को हम देखें, ध्यान दें तो हम देखते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित उसमें हमें क्या मिला, मातृत्व सुरक्षा, रोजगार, आवास, आज देखो आज राशन कार्ड बनता है तो उसमें परिवार की मुखिया का नाम, महिला मुखिया का नाम दिया जाता है, क्या ये सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम नहीं है? और कुछ योजनाएं हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर लागू करती हैं, अगर राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं कर पा रही है तो इसमें राज्य सरकार की कमी। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय की लिमिट है, मैं रोकना चाहूंगा, सृष्टि जी रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, ज्योति जी मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए हम नारी के अंदर जानना चाह रहे थे सभी के व्यू, जो बजट में मिला क्या है, और बजट हर गवर्नमेंट का अच्छा ही होता है, वो चाहे महिलाओं के लिए हो चाहे आम जन के लिए हो, सबसे बड़ी बात यह है कि उसका इम्प्लीमेंट कितना हो पाता है। कोई ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट्स को भी तय करना चाहिए कि हमारी जवाबदेही हो, पिछले बजट की पालना इतनी हुई है उसकी भी एक रिपोर्ट कार्ड आना चाहिए, जैसे हम लालायित होते हैं कि बजट में क्या मिलेगा, वो भी होना चाहिए कि वास्तव में पिछले बजट में क्रियान्विति कितनी रही, उसको धरातल पे कितना उतारा गया, ये भी कुछ ना कुछ आना चाहिए सरकारों की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।